स्पॉट जरूर हो गए थे एंड बेयरली आई थिंक ऑन कॉर्ट ने उनको अपने क्रॉस एयर से मिस आउट करा है। वो उनका क्रॉस एकदम से राइट हैंड साइड पर चला गया, स्वे कर गया, एक्चुअली वो स्वे कर गया, वो देख सकते थे, बट जैसे ही वो स्मोक शटिंग या स्काउट को ओपन माना, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे स्काउट के लिए। उनके लिए ये रोड क्रॉस करना है। स्काउट इज क्रॉसिंग द रोड एंड ही वाज अनपेस्ड इन ऑल ऑफ दिस पीच, लेकिन अब टीएसएम एंटिटी को आना। सी गॉड वो फाइट लेने की कोशिश कर रहा है, बट सी गॉड अब चौथन किल को लेकर जा चुके हैं, सी गॉड मामी को लेकर जा चुके हैं। वन सेकंड टीएसएम एंटिटी अपने उस एलिमेंट में आ रही है जिसके साथ वो फाइट ले रही थी वीरू के लिए, बचे इस पूरी फाइट के लिए। वीरू को फाइट निकालनी पड़ेगी, ही टेक्स डाउन सी गॉड एंड दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ टीएसएम एंटिटी। बट सामने सी लेवल के प्लेयर्स भी हैं, अब तीन प्लेयर्स को रिवाइवल देना, सर्कल है इनके पास, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, बट तीन प्लेयर्स साइड में बैठे हुए, बट इस बार टीएसएम एंटिटी ओपन में रहते हुए थोड़ी सी मुश्किल है। जी यहां पे मेगा स्टार्स के प्लेयर्स ने जोनाथन को पिक ऑफ कर दिया और वीरू ने फाइनली जी गॉड का किल कंफर्म कर दिया और इसी के साथ टीएसएम एंटिटी हो चुकी थी गेम से बाहर। बट एक बहुत बेहतरीन मौका था मेगा स्टार्स के प्लेयर्स यहां पे ऑरेंज रॉक के ऊपर पुश करने का, बट यहां पे सिर्फ सर्कल उनके फेवर में नहीं था। एक अच्छा खासा डिसीजन यहां पे रहा कि रुके और ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को फिलहाल आगे जाने दे और उसके बाद उनको पीछे से स्पॉट अप करें। बट यहां पे गाड़ियां उड़ती हुई नजर आ रही है, यहां पे ग्रेनेड्स फट रहे हैं। गैलेक्सी रेसर्स के एमजे फिलहाल पिक ऑफ हो गए थे आई शॉट्स के द्वारा और इसी के साथ गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स भी हो चुके हैं इस गेम से बाहर। अगर आप सर्कल देखे, बॉक्स के पास सर्कल है, बॉक्स काइंड ऑफ सेंट्रल एरिया में बैठी है सर्कल के, जो अगला सर्कल का शिफ्ट रहा था टीम सीक्रेट को ऊपर जाना है, मेगा स्टार्स को अंदर की तरफ को जाना है, यू लेवल के चाशिन यहां पर फाइट ले, सारी टीम तैयार कर रही है अपनी फाइट्स लेने के लिए क्योंकि उनको सर्कल में जाना है। बट बॉक्स गेमिंग, लुक एट दिस टॉप व्यू, बॉक्स गेमिंग इज द ओनली टीम जिनको सर्कल का एरिया पूरा फेवर कर रहा है। इनके पीछे का एरिया टीम सीक्रेट ओपन से आएगी तो बॉक्स गेमिंग वो स्पॉट कर सकते हैं, सामने के एरिया की बात करें सारी टीम्स को वो स्पॉट कर सकते हैं। यहां पर टीम सीक्रेट टी वन के प्लेयर्स को लेकर जाते हुए धीरे धीरे, बट मिसाइल को वहां पर वैक्सीन ने भी डाउन किया, फिर मैंने यहां पर मिसाइल को फिनिश ऑफ जरूर किया। ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स आ रहे लेकिन उनके ऊपर भी शॉट्स पड़ रहे हैं, मुश्किलें हो सकती है किसी एक प्लेयर के लिए। गिल वाज द वन जिनको पैराडॉक्स यहां पर पिकअप किया, बट मेगा स्टार्स धीरे धीरे आगे जा रही है फाइट के लिए। जी हां, यहां पे वही मौके का इंतजार में थी मेगा स्टार्स के प्लेयर्स, यहां पे ऑरेंज रॉक को पहले आगे जाने दिया, फिर स्पॉट आउट करा, एक प्लेयर को नॉक करा, इसी के साथ पुश भी कर चुके ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स को। यहां पे कुछ प्री नेड्स मारने पड़ेंगे, वैक्सी काफी ज्यादा लो एचपी पे है, यहां पे हील करने का टाइम नहीं, स्वैग यहां पे एक नॉक निकाले जरूर थे, बट यहां पे काउंटर नॉकआउट हो चुके हैं। यहां पे एक प्लेयर यहां पे प्रोन डाउन थे, वैक्सी क्या कुछ कमाल दिखा पाएंगे, पैराडॉक्स काफी ज्यादा लो एचपी पे, वीरू यहां पे देखते हैं, यहां पे एक मोलोटॉव उन्होंने फेंक दिया पैराडॉक्स के ऊपर, अगर लगा तो यहां पे इंस्टेंटली फिनिश ऑफ हो सकते हैं। वीरू यहां पे स्मोक के थ्रू यहां पे स्प्रेड आउट करते हुए, बट पैराडॉक्स ने यहां पे अपनी हीलिंग्स लगा लिए। मेगा स्टार्स वर्सेस ऑरेंज रॉक, अन इंटेंस फाइट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पैराडॉक्स सामने आए थे, पैराडॉक्स को फिनिश किया क्योंकि पीछे एक प्लेयर बैठा होता, वीरू वहां पर थे, चाहे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स डाउन हुए बट वो ये फाइट ले गए। पांच टीमें बचती हम लोगों के पास, बॉक्स गेमिंग, यू लेवल अप, ऑरेंज रॉक, टी वन और रिजेक्ट स्कारलेट की स्क्वाड, ये पांच स्क्वाड जहां पर बचती है। विकेंडी का मैच है, बॉक्स के पास फिर से सर्कल जाता है, लेकिन आप देखिए टी वन के प्लेयर्स ऑरेंज रॉक के कितना करीब थे। जी हाँ, टी वन के सेड एंड ऑरेंज रॉक के बिल्कुल बगल में थे और वीरू को यहाँ पे एक फ्री किल भी मिल जाएगा। टेक इट वीरू, कम ऑन, यू कैन डू दिस मैन, नो। और यहाँ पे वीरू ने बिल्कुल उनको फिनिश ऑफ कर दिया और देखना पड़ेगा बॉक्स के लुइस यहाँ पे मोलोटॉव कुक कर रहे हैं, मोलोटॉव फेंकेंगे ड्वेलो की तरफ और स्मोक के पिछौने के अंदर इन्होंने मोलोटॉव जरूर फेंका, बट ड्वेलो यहाँ पे बच चुके, कोई दिक्कत नहीं है, स्मोक के अंदर अभी भी जिंदा है, पेड़ यहाँ पे अभी भी मौजूद है और बॉक्स के प्लेयर्स अगेन सर्कल इनको फेवर करता हुआ, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बॉक्स के प्लेयर्स रिजेक्ट स्कारलेट को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं। इस टाइम एक टीम है जो सर्कल के लगभग बाहर के एरिया पर है, वो ऑरेंज रॉक रहने वाले, ड्वेलो के लिए मुश्किल हो चुकी है। आप देखिए पेड़ के पीछे के एरिया पर वो है ऑरेंज रॉक स्काउट, यहाँ पर फाइट लेने की पूरी कोशिश करते हुए ड्वेलो, मुश्किल उनके लिए रहेगी। ही गोस डाउन, आरसीएस गेट्स एलिमिनेटेड बाय बॉक्स लोकी द किंग ऑफ मिस्चीफ्स, यहाँ पर लेकर आते हैं, बट बॉक्स गेमिंग सात किल्स लेकर अपने पास बैठी हुई है। पीछे यू लेवल के प्लेयर्स भी रहेंगे, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहां पर फाइट लेने को पूरा तैयार है और देयर इज वन प्लेयर आउटसाइड द सर्कल, T1 ZZP डूइंग दैट थिंग जो कि वो करना चाहते थे, बैक स्टेप्स कमिंग इन ऑन T1 ZZP, हैज नथिंग टू लूज, बट उससे पहले ही टेक्स अ वन किल फ्रॉम ऑरेंज रॉक। अब सिर्फ वीरू और स्काउट बचे हैं और वीरू के पास पांच किल्स हैं। जी हां, वीरू यहां पे बहुत ही शानदार खेल रहे, आठ किल्स ऑरेंज रॉक ने निकाली और उसमें से पांच किल्स सिर्फ अकेले वीरू ने यहां पे निकाले, तो देखना पड़ेगा। ऑरेंज रॉक के दो प्लेयर्स जीवित थे, तीन टीम्स अभी तक जिंदा है, बॉक्स वर्सेस यू लेवल अप वर्सेस ऑरेंज रॉक, कैन ऑरेंज रॉक क्लच इट आउट। पिमे ने यहां पे एक मोलोटॉव फेंकने की कोशिश करी है बट ग्रेनेड था वो, डैमेज जरूर पड़ा और वीरू यहां पे थोड़ा सा डैमेज लिया। स्काउट अभी भी जिंदा है, स्काउट को भी सर्कल के अंदर आना पड़ेगा, बट बॉक्स के प्लेयर्स ने उनको स्पॉट आउट करके रखा था। बॉक्स के प्लेयर्स यहां पे मोलोटॉव डालते हुए यू लेवल अप की जो एंट्री है यहां पे
सर्कल के अंदर वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं बॉक्स के लूस यहाँ पे हाई ग्राउंड आते हुए बट यहाँ पे यू लेवल अप के होश जुआर ने कर दिया है स्काउट को नॉक और इंस्टेंटली लुइस जो है उनका किल कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे बट सर्कल के द्वारा यहाँ पे फिनिश हो गए तो वो जो किल है वो यू लेवल अप के प्लेयर्स को जाएगा। वीरू यहाँ पे हील बैटल करने की कोशिश कर रहे तो जो दो टीम्स यहाँ पे बचने वाले दैट हैज टू बी बॉक्स वर्सेस यू लेवल अप। बॉक्स इतना आ गया ये सेकंड टाइम नॉट टू स्टॉप ऑन द सेकंड पोजीशन। इस बार बॉक्स को चिकन देना चाहिए क्योंकि पिछला गेम उनके लिए नहीं था। ऑरेंज रॉक का एलिमिनेशन होता है। दिस इज यू लेवल अप वर्सेस बॉक्स गेमिंग। जिस तरीके से लोग फाइट ले रहे हैं आप देखिए एक प्लेयर को सारी हील्स पकड़ा दी गई क्योंकि अगले 20 सेकंड में हमारा हील बैटल स्टार्ट हो जाएगा। वीकेंडी की खासियत रहती है हील बैटल और वो हील बैटल यहां पर देखने को मिल सकता है 10 सेकंड और एक बहुत बेहतरीन हील बैटल या फिर फाइटिंग सिचुएशन बन सकती है। सारे प्लेयर्स अपने लिए स्मोक कर चुके हैं। दिस इज द फील्डिंग दैट इज नीडेड टू बी सेट फॉर दैट हील बैटल। आप देखिए यू लेवल अप के प्लेयर्स जाएंगे कमाओ पहले से ही सेंट्रल एरिया में बैठे हुए उनको सबसे ज्यादा फेवर होगा। सर्कल आ रहा है नाइट प्लेस के ऊपर पहले लोकी ने स्पॉट के एक प्लेयर को होश वन वहां पर बॉक्स लुई को लेकर जा चुके हैं। बॉक्स के प्लेस के मुश्किल हो चुके हैं। ब्रेक आगे जा रहे हैं लोकी के अगेंस्ट फाइट लेने के लिए। चाशिन भी फाइट ले रहे हैं लोकी गोस डाउन एज़ वेल। बॉक्स के प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो चुके हैं बिकॉज़ बॉक्स के एक प्लेयर फेम है वहां पर हील बैटल कर रहे फॉर द 6 पॉइंट्स जो उनको चाहिए बट देयर आर प्लेयर्स ऑफ यू लेवल अप मूविंग अप फॉरवर्ड ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स। एक स्मोक कर रखा था बट बॉक्स के प्लेयर्स एक और बार सेकंड पोजीशन लेते हुए यहाँ पे यू लेवल अप की स्क्वाड बहुत ही शानदार अग्रेशन दिखाते हुए बॉक्स के प्लेयर्स डिफेंसिव स्टार्ट में चले गए थे और यहाँ पे स्मोक्स के अंदर भी घुस के यू लेवल अप के प्लेयर्स ने उनको फिनिश ऑफ करा। फाइनल पेमेक ने बहुत अच्छी कोशिश करी थी कि फर्स्ट एड हीलिंग बैटल करे बट यहाँ पे जो स्मोक था वहां पे उनको स्पॉट कर दिया था। काइंड ऑफ प्रिडिक्टेबल हो गए थे। स्प्रे करा और इसी के साथ एक शानदार जीत यू लेवल अप लेती हुई अपने नाम।